हमारी आईडिया हो गई ये ब्लॉक, अब बताओ क्या करें, गए ना काम से, कर लो बोर्ड जो। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना भाई, कान नाक आंख जो भी खोलनी हो ना खोल लेना, मेरी भी डीडी करा दो, वोटे ऑर्डर नहीं उठते भाई। आज ना मूड की ऐसे की तैसे कर दी बोर्ड जो ने, सुबह क्या 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 सपने हमने सजोए थे और भाई क्या काम करने निकले थे, हाई जोश था एकदम फौजियों के माफिक, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और मूड इतना खराब है ना, हम तो चाह रहे ना हमारा बस चले तो हम अभी के अभी बोर्डों की ये वाले सिस्टम को ना तुरंत बंद कर दें भाई, इतने दुखी हो गए हैं कहने की हद नहीं, बोर्ड जो आखिर कर क्या रहा है। चलिए पहले आप देखिए शुरू से वीडियो ताकि आपको भी पता चले कि हमारा आज का जोश कितना हाई था और अभी जो हमें गुस्सा आ रहा है वो क्यों आ रहा है। हेलो दोस्तों, तो भाई आज है शनिवार और शनिवार का हमारा इरादा कुछ बन रहा है कि आज करेंगे सिर्फ पार्सल, और पार्सल भी करेंगे किस में, पार्सल करेंगे सिर्फ और सिर्फ बोर्जो में, यानी शनिवार का दिन बोर्जो के साथ। चलिए पहली ट्रिप का इंतजार करते हैं, देन उसके बाद उसको पिकअप करने चलेंगे। एक कहावत है ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, जहाँ कुछ उसी तरीके से भाई, जैसे ही हम हटे ये कह के कि आज शनिवार के दिन बोर्जो में काम करेंगे भाई, तुरंत हमें जो है एक डीडी आईडी के अंदर ऑर्डर आ गया और हमने फटाफट उंगली मार दी भाई, और उंगली मारते ही ऑर्डर हमारा हो गया। देन अब हम जा रहे हैं इस ऑर्डर को पिकअप करने के लिए। पहुंच गए भाई 2-3 मिनट के अंदर ही, चलते हैं एंट्री कराते हैं और सीधा चलते हैं पार्सल को लेने के लिए। वेरी गुड भाई, सोसाइटी में घुसते के साथ ही दूसरा टावर ही जे टावर निकला, चलिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ा। पहली बार आए इस सोसाइटी के अंदर, एंट्री गार्ड कोई है ही नहीं, चलो भैया सीधा लिफ्ट पकड़ते हैं। हाँ जी हम ही आए, हम यहाँ है और आप जा रहे हो, गाड़ी से डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हूँ तो नीचे दे देना, पार्सल में नई नई जगह घूमने का नया नया एक्सपीरियंस भाई, क्या ग्राउंड बना हुआ है, बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं। चलो बहुत हो गया भाई, अब पार्सल को पिकअप करते हैं, देन उसके बाद बताते हैं कितने किलोमीटर के अंदर हमको कितने रुपए मिलेंगे। क्या कह रहे हो, पार्सल देखना, लो देख लो भाई, ये पार्सल है बोर्डो के अंदर, ऐसे ही पार्सल आते हैं, अब इसके साथ पैसेंजर भी बैठा के ले जाओ या कोई दूसरा पार्सल भी ले जाओ, कहाँ पता चल रहा है कुछ। दोस्तों कमाल की बात यह है कि बोर्जो में एक्यूरेट एड्रेस आया भाई, मजा आ गया एड्रेस देखकर। खैर अब इंतजार करेंगे दूसरी ट्रिप का, यहाँ पर हमने 8 मिनट लेट भाई पार्सल डिलीवर किया है, अब पता नहीं है लेट में आया होगा या नहीं आया होगा, लेकिन आपको बता दें कि लगातार 5 ऑर्डर लेट होने पे कोई दिक्कत आती है। अब मान लीजिए हमारा ये ऑर्डर लेट हो गया, फिर हो जाएगा, एक ऑर्डर टाइम पे कर देंगे, खत्म टेंशन। तो दोस्तों अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना भाई, कान नाक आंख जो भी खोलनी हो ना खोल लेना, देन उसके बाद ध्यान से सुनना, ये साइड में वीडियो देख रहे हो चल रहा है, तो ये डीडी आईडी के लिए मरे जाते हैं ना राइडर, ये वीडियो उनके लिए भाई, कि मेरी भी डीडी करा दो, वोटे ऑर्डर नहीं उठते भाई, सिर्फ छोटे छोटे ऑर्डर ही आते हैं और एक ऑर्डर जो है 3-3, 4-4 बार आ जाएगा, नहीं उठाओगे तो क्या होगा, लास्ट में 1 घंटे के लिए आईडी बंद हो जाएगी। तो भाई ये डीडी आईडी के लिए ना ज्यादा मरो मत, क्योंकि डीडी आईडी के अंदर आपको एड्रेस भी नजर नहीं आएगा, तो भाई कैसे करोगे, कैसे उठाओगे छोटे ऑर्डर, मालूम चला कि उठा लिया 60-70 का, और जब उठाने के बाद मैप चालू किया तो बहुत दूर से पिकअप करना है, तो भाई क्या बचेगा उसके अंदर, कैंसिल किया तो 150 लगेंगे। तो भाई डीडी आईडी के लिए ना परेशान मत होना, इस बात को गांठ बांध लेना कि अब आपको नॉर्मल आईडी चलानी, खासकर उनके लिए जो दिल्ली के अंदर काम करते हैं भाई, वो तो डीडी आईडी कराओ ही मत। अब ये छोटे छोटे ऑर्डर छोड़ने की वजह से हमारी आईडी हो गई है 1 घंटे के लिए ब्लॉक, अब बताओ क्या करें, गए ना काम से, कर लो बोर्ड जो। तो भाई अब मजबूरी में हमें उबर खोलनी पड़ेगी और दिल्ली के अंदर उबर बाइक टैक्सी या उबर कनेक्ट के ऑर्डर उठाने पड़ेंगे। चलिए भाई उबर ही खोल लेते हैं, बाकी डीडी आईडी के लिए यार ज्यादा परेशान मत होना, हमारी नजर में दिल्ली के अंदर तो डीडी आईडी बिल्कुल बेकार है। सब बोलते हैं दिल्ली में भाई बाइक टैक्सी बैन हो गई, भाई बाइक टैक्सी बैन हो गई तो कस्टमर थोड़ी ना बैन हो गए, ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं। आ गई भाई उबर के अंदर हमें मुनिरका की एक कनेक्ट की बुकिंग आ गई है भाई, उसको लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कस्टमर को कॉल कर दिया, कस्टमर जस्ट पहुँचने वाला है, देन उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से मुनिरका। वैसे कस्टमर को ना जिसको सामान लेना हो अपने पॉइंट में पहले ही आ जाए, हालांकि हमने पहले ही इसको कॉल कर दिया था, अभी मुनिरका गाँव के अंदर है भाई। तो दोस्तों पार्सल डिलीवर कर दिया उबर का और 14 किलोमीटर में हमको मिले हैं 156 रुपए। हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि पिकअप पॉइंट पे भी 5-6 मिनट और ड्रॉप पॉइंट पे 8-9 मिनट का वेटिंग
हमने किया था। अब पता नहीं वेटिंग के पैसे इसके अंदर लगते हैं या नहीं लगते हैं। खैर जो भी है भाई, कुल मिला के 14 किलोमीटर के 156 रुपए उबर कनेक्ट के अंदर। अब हमारा बोर्जो का भी घंटा भी पूरा हो चुका है, तो आईडी ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है। तो चलिए अब बोर्जो के अंदर भी ऑनलाइन आ जाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कितना बुरा हाल है DDID के अंदर। पता नहीं क्यों राइडर DDID है, बकवास है DDID, कोई करवाने की जरूरत नहीं। और कंपनी को भी हम भाई कुछ राय दे रहे हैं, अगर कुछ कर सको ना तो इसके अंदर कर देना, ताकि DDID से जो बंदे परेशान है ना हमारी तरह, वो बेचारे कुछ दुआएं दे देंगे तुम्हें और तुम्हारी कंपनी का काम करेंगे भाई, ऑर्डर उठाएंगे तो तुम्हें कमीशन मिलेगा। तो भाई हम अपनी तरफ से ना आपको राय दे रहे हैं बोर्जो वालों, इस राय को ना ध्यान से सुन लेना। और एक नहीं दो नहीं भाई, तीन तीन राय देंगे इस DDID के बारे में कि एक तो या तो ऐसा अपडेट कर दो कि राइडर कोई भी ऑर्डर छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी आईडी एक घंटे के लिए बैन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी कमी आपकी है। और वो कमी ये है कि अगर राइडर ऑर्डर उठाना भी चाहता है ना और टैब करता रहे और वो ऑर्डर पहले किसी राइडर ने उठा लिया है, तो भी भाई वो 10 के काउंटिंग में आ जाता है। तो भाई ये सिस्टम में कमी आपकी है, तो इस सिस्टम को आप बंद कर दो। राइडर की आईडी एक घंटे के लिए बैन नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पहला उपाय है आपके लिए। दूसरा भी सुन लो भाई, आप ना DDID के अंदर कुछ ऐसा अपडेट कर दो कि ऑर्डर 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही आए, ताकि कोई टेंशन ही ना रहे क्या मिनट लिखे हैं क्या सिनट लिखे हैं। सबको पता होगी भाई 1-1.5 किलोमीटर के अंदर से ही पिकअप होना है, हर कोई उठा लेगा DDID वाला। और अगर ये दोनों उपाय नहीं हो रहे हैं तो तीसरा तो भाई रामबाण उपाय है, उसको जरूर कर देना। और वो ये है कि DDID को हमेशा के लिए बंद कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब आपको डिसीजन लेना है कि इन तीन उपाय के अंदर से आप कौन सा उपाय करोगे, ताकि राइडर कुछ कमा सके और आपको भी कमीशन का कुछ कमा के दे सके। अब दोस्तों ये सारे उपाय तो थे भाई कंपनी के लिए, आपके लिए भी कुछ राय है हमारे पास कमेंट्स के अंदर। इन तीनों जो हमने पॉइंट बताए हैं, इन तीनों पॉइंट में से कौन से पॉइंट को कंपनी को करना चाहिए कमेंट्स के अंदर, आपको वो लिख के देना है भाई, ताकि ना प्रेशर पड़े पूरा कंपनी के ऊपर, कंपनी जल्दी से जल्दी इसके अंदर अपडेट करे। क्योंकि भाई देखो कमियां तो कंपनी के अंदर ही हैं, कंपनी के अंदर की कमियों को दूर कौन करेगा, उसे बताएगा कौन, आप या हम? तो हम तो बता चुके हैं वीडियो के माध्यम से, बारी अब आपकी है कि आपको भी कमेंट्स के अंदर जरूर कहना है कि आपको DDID के अंदर कैसी सुविधा चाहिए। DDID हमेशा के लिए बंद हो जाए, या ऑर्डर छोड़ने के बाद भी आईडी बंद ना हो, या फिर 1-1.5 किलोमीटर के अंदर अंदर में ही ऑर्डर आए। और हाँ एक चीज और भाई ध्यान रखना, बोलना भूल गए थे, बताना भूल गए थे। और भाई बोर्डो वालों आप भी सुन लो कि एक चीज और कर देना भाई, अगर अपडेट कर रहे हो तो DDID के अंदर एड्रेस लिखा हुआ आना चाहिए भाई। ये क्या इसके अंदर तहसील, ऊपर तहसील, नीचे तहसील, कुछ समझ में नहीं आता कौन सी तहसील। भाई दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं तो एरिया लिख दो कम से कम, ज्यादा नहीं है तो पूरा एड्रेस नहीं लिख रहे हो, क्या कमी है पता नहीं। लेकिन अगर पूरा एड्रेस नहीं लिख रहे हो तो कम से कम एरिया तो लिख दो कि भाई राजौरी गार्डन से उत्तम नगर जाएगा, उत्तम नगर से पालम जाएगा, जो भी एक एड्रेस कम से कम उस एरिया का लास्ट एड्रेस तो डाल दो, ताकि राइडर को और सहूलियत हो जाए। भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए कमा रहे हैं, हाँ कुछ हम भी कमा लेते हैं मेहनत करके, तो मिलजुल के काम चलेगा ना। वैसे थोड़ी ना कि बिल्कुल आपके नियम चलेंगे और भाई हम उसमें काम करे जाएं फंसने के बाद फिर 150 रुपए दिए जाए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है भाई। तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि राइडर भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट्स के अंदर वो लिख चुके हैं और लिख रहे हैं, उसको भी ध्यान से पढ़ लेना और उसके हिसाब से ही DDID को अपडेट करना। चलिए दोस्तों, हमने लास्ट ट्रिप भाई दिल्ली के अंदर से ओला के अंदर उठाई थी, जिसमें 220 रुपए मिले थे और 25 किलोमीटर की राइड थी। हम पहुंच गए हैं नोएडा और भाई यहां से जा रहे हैं हम घर, और मिलेंगे आपको फिर अगली एक और वीडियो के अंदर, जिसका टॉपिक हमारे दिमाग के अंदर आ चुका है। लेकिन उस वीडियो को देखने के लिए आपको करना पड़ेगा वही काम जो हम हमेशा बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और बेल के आइकन को भी जरूर दबाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।